ओके गाइस, पार्ट टू ऑफ द वीडियो। पहले पार्ट में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट के सारे सिंबल्स क्या है, उसके हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका थोड़ा इंट्रो, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम और सूडो कोड का हमने इंट्रो लिया था। अब हम फ्लो चार्ट रूल्स देखेंगे और इस वीडियो में हम एक एग्जांपल करेंगे। पहले तो आप देखें, फ्लो चार्ट जनरली हम जब ड्रॉ करते हैं तो वो टॉप टू बॉटम हम ड्रॉ करते हैं। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हम टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एंड टर्मिनल तक उसको लेके जाते हैं। और हमारे फ्लो चार्ट में जितने भी बॉक्सेस होते हैं, जो भी सिंबल्स होते हैं, सबको हम फ्लो कंट्रोल फ्लोज के साथ कनेक्ट करते हैं। वो हमारे एरोज होते हैं फ्लो डायरेक्शन को जो इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा रूल्स में ये है कि हमारा फ्लो चार्ट हमेशा स्टार्ट होता है टर्मिनल या फिर प्रोसेस सिंबल के साथ, और फाइनल रूल ये है कि जो हमारा डिसीजन सिंबल है, वो मैंने पहले भी एलैबोरेट किया था, या तो फिर वो यस होता है या फिर वो नो होता है, और हम उसे मैनिपुलेट करते हैं, अपनी लॉजिक बनाते हैं, उसके मुताबिक उस डायरेक्शन में वो हमें लेके जाता है और हमारा फ्लो चार्ट का कंट्रोल सेट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे 10 और 20 को ऐड करने के। पहले हम उसके एल्गोरिथम को गो थ्रू करते हैं। सिंपल इंग्लिश में हम 10 और 20 को कैसे ऐड करेंगे। पहले हम इनिशियलाइज करेंगे सम नाम के एक वेरिएबल को जो इक्वल टू जीरो, और हम इसको प्रोसेस में रखेंगे क्योंकि एक कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद हम इनपुट आउटपुट के लिए हम लिखेंगे एंटर द नंबर्स। सिंस हम इस चीज़ को प्लेन इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से इसको लिख रहे हैं, प्रोसेस इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ मैंने इसको लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड स्टेप है ऐड देम एंड स्टोर द रिजल्ट इन सम, फिर फाइनल प्रिंट सम। अब हम इसको फ्लो चार्ट के टर्म में ड्रॉ करेंगे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक टर्मिनल हमने ड्रॉ किया जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड कंट्रोल फ्लोज, ये हमारे डायरेक्शनल एरोज है, फ्लो लाइंस। उसके बाद हमने एक प्रोसेस सिंबल के अंदर एक हमने असाइन किया वेरिएबल सम के नाम से, उसको हमने जीरो असाइन किया। उसके बाद फ्लो लाइंस के नीचे हमने एक इनपुट आउटपुट सिंबल लिया जिसमें हम एंटर करवा रहे हैं 10 और 20। उसके बाद हमने अब हमारे दो नंबर्स हमने एंटर कर लिए हैं 10 और 20। उसके बाद फ्लो लाइंस के मुताबिक हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो एक प्रोसेस होगी, हमारे सम को हम वैल्यू असाइन कर देंगे 10 प्लस 20। अब हम सम में 10 और 20 को ऐड करा के स्टोर करवा रहे हैं। आफ्टर दैट फिर हम एक आउटपुट सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल कराएंगे, क्योंकि जब हम एक वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं तो फिर वो आउटपुट हो रही है, हमें स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है, तो फिर हम सबको प्रिंट कर रहे हैं। फाइनली हमारा फ्लो चार्ट वो कर रहा है जो हमें चाहिए, 10 और 20 को ऐड करें और प्रिंट कर दें। तो उसके बाद हम लास्ट पे टर्मिनल स्टॉप के नाम से बनाएंगे, तो हमारे प्रोग्राम को पता चल जाएगा फ्लो चार्ट को कि यहाँ पे मैंने स्टॉप करना है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद। मेक श्योर करें कि आप इसको रिवाइंड करें और प्रॉपरली इसको समझें, ये बिल्डिंग स्टेप्स हैं आपके लिए। तो मेक श्योर ईच सिंबल्स, ईच लॉजिक, हर चीज़ आपको क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर्स। सबसे पहले सिंपल इंग्लिश में हम एल्गोरिथम लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे सम को, इक्वल टू जीरो कर देंगे, दैट मीन्स हमने एक वेरिएबल सम के नाम को लिया है और उसको इक्वल टू जीरो कर दिया। उसके बाद हमने काउंट के नाम से एक वेरिएबल लिया है, उसको भी जीरो के साथ इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद सेकेंड पे फिर हमने यूज़र से कोई इनपुट या आउटपुट लेनी है, तो फिर हमने एंटर एन किया। इस फ्लो चार्ट में हम यूज़र से 5 नंबर लेंगे और वो हम एन के नाम से स्टोर करेंगे।
अब हर दफ़ा हमने यूज़र से नंबर लेना है और हमने उसको सम में ऐड करते जाना है ताकि फाइनल रिजल्ट 5 नंबर्स का हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे फाइंड सम प्लस एन एंड असाइन इट टू सम एंड देन इंक्रीमेंट काउंट बाय वन प्रोसेस, क्योंकि टोटल हमने 5 दफ़ा नंबर को लेना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, तो फिर काउंट को हमने इंक्रीमेंट करते रहना है 5 दफ़ा ताकि हमारा प्रोग्राम टोटल सिर्फ 5 दफ़ा चले। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, हमारे डिसीजन सिंबल में ये कंडीशन लगेगी जो चेक करेगी क्या काउंट 5 से लेस है, और वो देखेगी कि जब तक काउंट 5 से लेस है तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहे, और जैसे ही वो 5 से ज़्यादा हो जाए तो फिर सम को प्रिंट कर दे और हमारे प्रोग्राम को एंड कर दे।